खाताधारकों ने पैसे निकालने के लिए आदर्श क्रेडिट सोसाइटी की भीड़ लगा दी। ये बड़ी अपडेट 18 जून 2021 की है। औरंगाबाद 18 जून को पुणे पुलिस ने आर्थिक अपराध शाखा EOW ने आदर्श शहरी सहकारी समिति के संस्थापक को गिरफ्तार किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं US खान और आप देख रहे हैं STN News TV। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी सोसाइटी से जुड़ी हर एक अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। आज भी अपडेट जो लेकर आए हैं वो आदर्श क्रेडिट सहकार समिति से रिलेटेड है। ये बड़ी अपडेट औरंगाबाद की है। पुणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने आदर्श अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संस्थापक अंबादास मनपाके को भाई चंद हीरा चंद राय सोनी BHR क्रेडिट सोसाइटी वित्तीय घोटाले के सिलसिले में गुरुवार को सुबह गिरफ्तार किया। ऐसे में आदर्श सोसाइटी के खातेदारकों में दहशत का माहौल है और वे सुबह से ही अपना पैसा निकालने के लिए सोसाइटी में उमड़े पड़े हैं। खातेदारक खासकर वरिष्ठ नागरिक सुबह से ही क्रेडिट सोसाइटी में जमा हो गए। उन्होंने सोसाइटी के कर्मचारियों से कहा कि वे अखबार में पढ़कर यहां आए हैं। इसमें कई ने अपनी बचत की समाधि जमा में रखा था और वे समाज के दिवालिया हो जाने के डर से जमा को वापस लेना चाहते हैं। बाद में प्रबंधक ने सोसाइटी के बाहर एक बोर्ड पर प्रकाश डाला कि समाचार पत्रों में छपी खबरों और क्रेडिट सोसाइटी के बीच कोई संबंध नहीं है, इसलिए ग्राहकों को किसी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी ग्राहक कतार में खड़े रहे और कुछ मैनेजर से पूछताछ करते रहे। प्रबंधक सुनील पाटिल ने आज निकासी की संख्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बहुत कम है, यानी कि पैसा निकालने वाले आज बहुत कम है, लेकिन अधिक ग्राहक खातों में पैसा जमा करने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मीडिया को स्पष्टीकरण दिया जाएगा। हुडको और कोकन वाड़ी में क्रेडिट सोसाइटी की शाखाएं में भी ऐसी स्थिति देखी गई। प्रबंधक सुनील पाटिल ने आज निकासी संख्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बहुत कम है, लेकिन अधिक ग्राहक खाते में पैसा जमा करने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मीडिया की स्पष्टीकरण दिया जाए। हुड़की और कोकनवाड़ी में क्रेडिट सोसाइटी की शाखाओं भी ऐसी ही स्थिति देखी गई है, यानी कि ये स्थिति जो है अखबार के किसी एक लेख से उमड़ी। और प्रबंधक सुनील पाटिल ने आज निकासी की संख्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बहुत कम है, लेकिन अधिक ग्राहक खाते में पैसा जमा करने आए हैं। उन्होंने कहा इस संबंध में मीडिया को स्पष्टीकरण दिया जाए। हुड़को और कोकनवाड़ी में क्रेडिट सोसाइटी का शाखाओं में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई है। तो दोस्तों, ये थी क्रेडिट सोसाइटी से जुड़ी एक ऐसी अपडेट जिसमें एक अखबार में लेख छपता है और उस अखबार के लेख के चक्कर में आकर सभी सोसाइटी के निवेशक ब्रांचों पर जाकर अपने पैसे को लेकर इकट्ठे हो जाते हैं। और ये अपडेट जो आपके लिए लेकर आए दोस्तों, ये औरंगाबाद की थी। न्यूज़ पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।